Good morning, dear students. In today's class, we will study page number 37 of lesson 6. The lesson is Lalu and Pilu. This is a story, and in this page number 37, the first topic is Let's Write. Match the chicks to the eggs, and they have hatched from. One has been done for you. यहाँ पे जो है ना, ये चूजे जो दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको five letters लिखे हुए हैं जो कि vowel हैं. Trace the letters on the eggs. A E I O U. 26 लेटर्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसमें से 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं. तो यहाँ पे आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ही समझाया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे जो 5 चूजे दिए हुए हैं, इनमें लिखा हुआ ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे इनके एग्स भी हैं. ये जिन एग्स से ये चिक्स निकले हैं, वो एग्स यहाँ पे बने हुए हैं. तो आपको इन लेटर्स को यहाँ पे ट्रेस करना है और इस चिक्स से मिलाना है, ठीक है. ट्रेस द लेटर्स ऑन द एग्स. ऑन द एग्स पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको आपको ट्रेस करना है. इस तरह से आप इसको ट्रेस कर देंगे. जैसे यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ई है, तो इसको आप ई लिख देंगे, फिर यू लिख देंगे, ए लिख देंगे, आई लिख देंगे, ओ लिख देंगे. ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, उस पर आपको ट्रेस करना है सबसे पहले, और उसके बाद जो है इन चूजे में जो लिखे हुए हैं वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, उनको इससे मिलाना भी है, ठीक है. तो ई तो मिला हुआ है, फिर यहाँ पे यू को मिलाना है, तो यू को यहाँ से हम यू में मिला देंगे, फिर ए को मिलाना है, ए को यहाँ से ए में, फिर ओ को इसमें, फिर आई को इसमें, ठीक है. तो इस तरह से ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पे आप एक बात समझ लेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल होते हैं, और बाकी जो 26 में से 5 जाने के बाद जो 21 बचते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है. अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे. तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स ड्रॉ. ट्रेस एंड कलर दिस फ्लावर्स. यू हैव टू ट्रेस दिस फ्लावर्स. यहाँ पे डॉटेड लाइंस में ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है, आपको ये जो डॉटेड लाइंस दिए, पहला फ्लावर है रेड रोज, तो इसको ट्रेस करना है इस तरह से. ये जो डॉटेड लाइंस दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको मिलाना है, ठीक है, और इसको कलर करना है रेड कलर में. आप इस कलर, इसके अंदर जो है रेड कलर भरेंगे, और ये इसके डंटी को आप जो है ग्रीन कलर से कर देंगे कलर, ठीक है. फिर ये ब्लू बेल्स हैं, ब्लू कलर की घंटी की तरह ये फूल फ्लावर होती है. ब्लू बेल्स को ब्लू कलर से आप कलर कर देंगे. फिर ये येलो सनफ्लावर है, इसको जो है पहले सारे इन तीनों फ्लावर्स को ट्रेस करने के बाद आप इनमें कलर्स भरेंगे. पहले में रेड, देन सेकेंड में ब्लू, और उसके बाद येलो कलर भरेंगे, और इनके डंटी में आप ग्रीन कलर डालेंगे, ठीक है. अब इसी पेज नंबर में एक छोटा सा टॉपिक है रिडल टाइम. रेड प्लस येलो इज ऑरेंज. देखिए, आप जब रेड कलर और ऑरेंज कलर को मिलाएंगे, तो जो है ये क्या बन जाएगा, ऑरेंज कलर, ठीक है. रेड और येलो को मिलाने पे ऑरेंज बन जाता है, फिर रेड और ब्लू को मिलाने पे पर्पल बन जाता है. रेड कलर पे अगर आप येलो कलर को स्केच करेंगे, तो वो ऑरेंज कलर बन जाएगा. उसके बाद रेड कलर पे ही ब्लू को स्केच करने पे वो पर्पल बन जाता है, और फिर ब्लू प्लस येलो, ब्लू पे येलो कलर स्केच करने पे वो ग्रीन बन जाता है, एंड वाइट टू मेक देम लाइट. और उसके बाद जो है इन सब कलर्स पे आप अगर वाइट कलर चलाएंगे, तो वो सारे रंग जो है हल्के कलर के हो जाएंगे, उन कलर्स के लाइट कलर्स में ये बदल जाएंगे, ठीक है. तो इस तरह से आपका ये पेज नंबर 37 जो है आज कंप्लीट हो गया. ये रिडल टाइम को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और होमवर्क में इसको आप करके देखेंगे, ठीक है. रेड प्लस येलो इज इक्वल टू ऑरेंज, रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू पर्पल, ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन, एंड देन यू हैव टू ऐड सम वाइट कलर टू ऑल द थ्री कलर्स यू गेट आफ्टर द मिक्सिंग दीज कलर्स, ओके. एंड नाउ दिस पेज नंबर इज ओवर. नेक्स्ट पेज नंबर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास, ओके. टिल देन आप अपने घर में जो है इनको कॉपी में बना लेंगे इन चूज़ों को, और ये ए ई आई ओ यू अल्फ़ाबेट्स को लिख लेंगे, ये जो वॉवेल अल्फ़ाबेट्स हैं इनको, ठीक है. टिल देन आप, और ये पोयम जो है ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे. थैंक यू माई डियर स्टूडेंट.